नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में हमारी एक श्रृंखला है इनसे मिलिए, और उस श्रृंखला में हम ऐसे विशिष्ट जनों के साथ संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग जुझारू हैं, जागरण के कार्य में जुटे हुए हैं, उनके अपने अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक व्यक्तित्व तो हमारे बीच में आज टोंक जिले में भी किस्मत से हमारे आए हुए हैं। आपका नाम है हिमांशु कुमार जी, और नमस्कार। और आप मूल रूप से तो मुजफ्फरनगर के हैं लेकिन आपका सारा जीवन का बड़ा हिस्सा बीता है छत्तीसगढ़ में। वहाँ आपने एक बड़ा आश्रम भी चलाया जिस आश्रम का नाम था वनवासी चेतना आश्रम। आप ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और वर्तमान में आप दिल्ली से बॉम्बे की दूरी इस तरह तय कर रहे हैं कि जहां बौद्धिक विमर्श तो होते ही चले हैं साथ में, वहां ऐसी जन चेतना जगाई जाए जहां सद्भावना हो, न्याय हो। विशेष रूप से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए जा रहे हैं या है घोषित कर दिए गए हैं, तो एक वास्तविक धरातल पे क्या स्थितियां हैं उनका भी हम विमर्श में उनको भी बीच में केंद्र में रखते आए हैं। और जैसा कि होता आया है ऐसे महापुरुषों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इनके खिलाफ एक मामले में आप पर 5 लाख का जुर्माना तय किया, लेकिन जैसा होता आया है हर कद्दावर आदमी झुकता नहीं है और आप भी नहीं झुके, और आपने सीधा इनकार किया कि नहीं जुर्माना किस बात का। तो ऐसा विटी पर्सन हमारे बीच में है, तो उनसे मूल रूप से आप गांधीवादी हैं, इनसे आज की शाम कुछ संवाद कर लेना चाहते हैं। तो हिमांशु जी आपसे नमस्कार, आपका आभारी रहेगा ये मंच के आप यहाँ आए जी। बहुत ये सुखद क्षण है हमारे लिए कि लाभान्वित होंगे जी आपके विचारों से। तो जहां तक गांधी की बात है, मैं बहुत सहज छोटे छोटे प्रश्न करना चाहूंगा आपके साथ जी। बेशक सवाल ये उठता है कि गांधी के साथ उनके जैसे ही उनका जीवन शुरू होता है, विदेश जाते हैं, फिर बीच में आते हैं, फिर जाते हैं, इस बीच में उनके साथ दो टर्म जुड़ती हैं। एक जुड़ती है सविनय विनय अवज्ञा, तो ये सविनय अवज्ञा का जो धारणा है उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली में कैसे रच बस गई, इसका स्रोत क्या था? असल में दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव भारतीय मूल के लोगों के साथ हो रहा था जी, और गांधी का जो बचपन से हम देखते हैं उनकी शक्ति का प्रयोग
जो आत्मकथा है उसमें जो गांधी अपनी फॉर्मेशन बताते हैं वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, लेकिन उसमें एक दृढ़ता है जी, और वो अन्याय ना सहन करना और असत्य को ना सहन करना, उसको स्वीकार न करना, ये उनके स्वभाव के मूल में है और वो उसका मुख्य गुण है। तो गांधी जो बंबई में जब वकालत करते हैं वकील के साथ जज के सामने बोल भी नहीं पाते जी, जी, इतने शर्मीले होते हैं हाँ। इतने वो वहाँ जाकर जब ये सब देखते हैं और उनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाता है ठीक है, और जो उनमें दृढ़ता धीरे धीरे विकसित होती है और वहाँ वो भारतीयों से कहते हैं कि ये हमें उंगलियों का अंगूठों के निशान देने को कह रहे हैं, हमारे साथ ये भेदभाव है, हमको अपने साथ पास रखना पड़ेगा और हम ये नहीं देंगे और उसमें हम अपने पास जलाएंगे, और गांधी पास जलाते हैं और उनको मारा जाता है, गांधी के हाथ पर मारा जाता है, उनकी पीठ पर मारा जाता है और आखिर में उनकी नाक तोड़ दी जाती है। और गांधी एक ऐसा शर्मीला सा नौजवान, लेकिन वो दृढ़ता के साथ डटा रहता है। नहीं, यही मेरा प्रश्न है, अभी भी वहीं खड़ा है कि ये सविनय अवज्ञा जी उस नाजुक से आदमी में कैसे डेवलप हो गई? मैंने जो सब सोर्स कहां से आ गया, उनका जो सोर्स है जी, वो सोर्स उनके धार्मिक आध्यात्मिक उस पूरे परिवेश में से निकल रहा है, इसके अलावा जो सामाजिक परिस्थितियां हैं जी, उन सामाजिक परिस्थितियों से वो ताकत ले रहे हैं, उनके अंदर एक तरह का आक्रोश आ रहा है और वो उसका समाधान इस तरह से देख रहे हैं कि लोग अगर हिम्मत के साथ, पूरी अहिंसा के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ इसका विरोध करेंगे तो हम जीत जाएंगे। कहीं मेरे पढ़ने में आया कि ये कंसेप्ट जो है कहीं कस्तूरबा की देन तो नहीं? हाँ, कस्तूरबा का जो व्यक्तित्व है, कस्तूरबा भी बहुत दृढ़ है और वो बहुत सारे मामलों में जब गांधी कमजोर पड़ते हैं तो कस्तूरबा उनको ताकत देती दिखाई देती हैं, बहुत दृढ़ हैं, तो कस्तूरबा के दृढ़ता का असर बेशक गांधी पर आया है और गांधी ने कई जगह स्वीकार भी किया है कि कस्तूरबा जो है वो शुरुआती दिनों में काफ़ी विवाह के बाद भी वो बाहर से आ गए, दक्षिण अफ्रीका से आ गए, उसके बाद के जीवन में भी ऐसा पढ़ने में आया मेरे कहीं कि कस्तूरबा ऐसे आसानी से कहना नहीं मानती थी जी, लेकिन कस्तूरबा का ये जीवन शैली ऐसी थी कि वो उस तरह का विरोध भी नहीं करती थी जी, तो कहीं ये भी रेखांकित किया गया कि उनका उस तरह से घर में रहना भी गांधी जी को एक सबक दे गया कि ऐसे भी विरोध हो सकता है, कहीं ऐसा है? नहीं, हो सकता है, लेकिन गांधी का व्यक्तिगत फॉर्मेशन में कस्तूरबा का कितना प्रभाव है ये तो गांधी जानते थे, लेकिन हम लोगों को जितना समझ में आता है और जितना सार्वजनिक जीवन में दिखाई देता है वो तो वही है जो मैंने कहा। अच्छा, और ऐसे हो हाँ, असहयोग पर भी इसका असर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ कस्तूरबा के कारण हुआ है? ना ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कस्तूरबा, कारण तो बहुत सारे रहे, जैसे आपने अभी कहा कि सामाजिकता भी है, उस समय का परिवेश और वहाँ जो जीवन जी के आए हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसका भी प्रभाव है, तो विरोध की चेतना तो जाग चुकी थी, लेकिन जैसे ये कंसेप्ट आना कि हम ऐसे लोग करके भी जीत सकते हैं, ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ? गांधी निरंतर बाहरी परिस्थितियों से अपना जो भीतरी उनका कन्विक्शन है उसके साथ वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं और उसमें से उनको सुझाव जो भीतर से सुझाव आ रहा है और उनके साथियों की तरफ से सुझाव आ रहा है, जैसे एक एक गांधी जो बन रहे हैं वो सिर्फ अपने कारण से नहीं बन रहे हैं, पूरी टीम है उनकी जो उनके साथ काम कर रही है, लोग उनको सिखा रहे हैं, उनके साथी सिखा रहे हैं। अगर हम गांधी फिल्म देखते हैं तो उसमें हम
देखते हैं कि किस तरह से अब्दुल्ला सेठ, जब गांधी ने लोगों को इकट्ठा कर लिया तो अब्दुल्ला सेठ उनसे कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, इसमें जोश तो जगाओ, और फिर अब्दुल्ला सेठ एक भाषण देते हैं, गांधी उनसे सीख रहे हैं। फिर एक जगह जब घुड़सवार लेकर के अंग्रेज आते हैं, जब वो कोयला खदानों में हड़ताल करवा देते हैं जी, और वहां सामने से घुड़सवार दौड़ते हुए आ रहे हैं बेटन चार्ज करने के लिए, तो उनका एक साथी कहता है लेट जाओ क्योंकि लेटे हुए लोगों पर घोड़े नहीं चढ़ेंगे, तो गांधी वहां सीख रहे हैं। तो गांधी बहुत सारी चीजें अपने साथियों से सीख रहे हैं, कैसे उसका विरोध करना है। श्रीमान गांधी से भी कुछ सीखा गांधी ने, बेशक उनकी बहुत तारीफ करी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है नहीं से हमें हम कैसे समझे कि उन्होंने ये जो जो सीमांत जो जो फ्रंटियर के लोग थे, जो बलोच थे और लोग थे, वो लोग जिस तरीके से अपने हथियारबंद संघर्ष के लिए जाने जाते थे और बहुत खूंखार माने जाते थे जी, उन लोगों ने सीने पर गोलियां खाई अहिंसक रह करके, ठीक है, बहादुरी के साथ। तो गांधी का कहना है कि इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। एक अजीब सा प्रश्न सामने आया है, पिछले दिनों उभर के आ रहा है, गांधी को लेकर जब भी कोई विमर्श सामने आता है तो एक तो हम ये भेद नहीं कर पाते हैं कि गांधी को क्या हम सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए या अंग्रेजों से मुक्त हो जाने की कश्मकश जो है उसमें गांधी का सहयोग है, या गांधी देश की दूसरी सामाजिक विसंगतियों के प्रति भी कितने जुझारू होकर लड़े हैं, उस पक्ष को शायद उस तरह से नहीं सामने लाया जा रहा। राजनीतिक लाभ तो उठाया जा रहा, उनके चश्मे का भी लाभ उठाया जा रहा, लेकिन उनके योगदान को उस तरह से स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में क्या? असल में ये पोस्ट ट्रूथ एरा है जी, ये सत्य के आगे की पहुंच चुके हैं हम जी, कि अब हमें सत्य की जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का ठीक है, कहना इसमें सत्य का कोई रंच मात्र भी जरूरत नहीं है जी। तो ऐसे में ये गांधी को पोर्ट्रे करना कि गांधी सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर राजनीतिक एक्टिविस्ट थे हाँ। लेकिन गांधी ने का ज्यादातर जीवन और ज्यादातर सोच और ज्यादातर उनकी गतिविधियां वो सामाजिक मुद्दों पर है, और ऐसा कोई पक्ष नहीं है हमारे सामाजिक जीवन का जिस पर गांधी ने काम ना किया हो, चाहे वो जाति व्यवस्था है, छुआछूत है जी, चाहे वो महिला स्त्री पुरुष समानता है जी, चाहे वो सांप्रदायिकता है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा है, कोई भी शिक्षा है, यानी शिक्षा स्वास्थ्य कोई भी विषय ले लीजिए, गांधी ने उस पर काम किया है, गहरा काम किया है, एक्सटेंसिव काम किया है बहुत लंबे समय तक। क्या अम्बेडकर के साथ कोई विरोध रखते थे? जो सार्वजनिक जीवन में हम सब जानते हैं कि गांधी का तो कोई विरोध नहीं था और अम्बेडकर साहब का भी कोई विरोध नहीं था, उनकी अपने अपने काम थे, और उनके जब आपस में उनका विमर्श होता है तो उसमें ऐसा लोग कोशिश करते हैं कि ये दिखाएं कि अम्बेडकर गांधी के विरोधी हैं या गांधी अम्बेडकर के विरोधी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ना तो अम्बेडकर गांधी के विरोधी हैं ना गांधी अम्बेडकर, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी समझ से काम कर रहे थे और दोनों ने बहुत ही शानदार काम किया है। और गांधी पे ये भी आरोप आता है कि चाहते तो भगत सिंह की फांसी चल सकती है, ये सत्य से परे है। अच्छा, और भगत सिंह ने खुद ही ये घोषणा की थी कि मैं जानबूझकर हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, हम गिरफ्तार होंगे और हम अपने बयान अदालत के माध्यम से पूरे देश में फैलाएंगे। नहीं नहीं, ये तो भगत सिंह ने किया, पता नहीं गांधी ने जी, अंग्रेजी सरकार के संग, अंग्रेजी शासन जो था उसके संग क्या कोई संवाद किया इस तरह का है? नहीं किया जी, किया किया है वो बताइए। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि भगत सिंह ने कहा था मुझे कोई छुड़ाने की कोशिश ना करे, ठीक है, वो मेरे इच्छा के विरुद्ध होगा। तो उसके बावजूद गांधी जी ने न सिर्फ वायसराय को लेटर लिखा बल्कि वो मिलने गए, और प्यारेलाल जी जो गांधी जी की उस समय की पूरी जीवनी लिख रहे थे
गांधी जी के सेक्रेटरी जिन्होंने पूर्णावृति चार खंडों में लिखी है जी, जी। उन्होंने कहा कि गांधी ने सिर्फ पांव नहीं छू लिए, बाकी उन्होंने पूरी तरह से उनसे क्षमा मांगी, जबकि गांधी का पूरा ये स्टैंड था कि हम अंग्रेजों के सामने ये नहीं कहेंगे कि हम पर जुल्म मत करो, हम पर दया कर दो, ये गांधी का स्टैंड था। उसके बावजूद उन्होंने भगत सिंह के मामले में गांधी ने अपना स्टैंड छोड़ा और गांधी ने कहा कि प्लीज माफ कर दीजिए, उनकी फांसी माफ कर दीजिए। गांधी ने अपना पूरा राजनीतिक स्टैंड और जो उनका नैतिक स्टैंड था उसको छोड़ दिया भगत सिंह के लिए। उसके बावजूद गांधी पर यह आरोप लगाना कि वो चाहते तो रुकवा सकते थे, भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था और सैंडर्स जो है वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे और पूरे अंग्रेज जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने वायसराय को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आपने फांसी नहीं दी तो हम भारत में अपना काम रोक देंगे, आप भारत में राज नहीं चला पाएंगे। उनके ऊपर भी दबाव था और वो जो फांसी हुई है वो उसी हत्या के कारण हुई है। तो उनकी वो गांधी की बात नहीं मान सकते थे, ये सबको पता है। तो ये कहना कि गांधी ने नहीं रुकवाया, वो रुक ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में। गांधी ने तो जितना हो सकता था वो सारा किया। और उसके बाद लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और भगत सिंह के पिताजी कहते हैं, भाषण देते हैं वहां पर, और वो कहते हैं हमारे सेनापति महात्मा गांधी हैं और भारत के युवकों को महात्मा गांधी के हुक्म पर चलना है। ये भगत सिंह जी की फांसी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी के बाद भगत सिंह के पिताजी का बयान है। तो उनको तो कोई शिकायत नहीं कि गांधी की वजह से मेरा बेटा मर गया। आज जिस तरीके से ये आरएसएस के लोग ये पूरा पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं वो तो गांधी जी ने की वजह से भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, ये सत्य से बिल्कुल परे है, तथ्यों से परे है, इतिहास से परे है। इसी के समकक्ष एक आरोप आता है 47 डिवीजन को लेकर कि आप जितनी अपेक्षाएं लोगों ने बताई हैं कि गांधी ने उस तरह से अपना रोल अदा नहीं किया, बताइए क्या नहीं किया। नहीं मैं नहीं, मैं नहीं, तो आप मैं उन लोगों से मैं ये चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि आप गांधीवादी हैं, आपने गांधी को पढ़ा है, जिया है, जी रहे हैं, तो अगर कंसेप्ट गलत है तो आप अपने माध्यम से ऐसा कुछ बताएं। देखिए जानकारी हो गांधी के पास कोई पोस्ट तो थी नहीं कि गांधी वीटो कर देते या गांधी आदेश हुक्म दे देते, गांधी ऑर्डर दे देते। गांधी तो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे और फैसला कांग्रेस को करना था और मुस्लिम लीग को करना था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस पक्ष में थे कि बंटवारा हो जाए। नहीं आपके हिसाब से तो मतलब गांधी की कोई स्थिति नहीं थी। गांधी क्या कर सकते थे, गांधी कह रहे थे बंटवारा मत करो, मत लड़ो, मिलकर रहो, लेकिन गांधी की बात को सुन नहीं रहा था, दंगे होने शुरू हो गए थे। इसका और गांधी ने तो ये भी कहा था कि दंगों से मत डरो, खून देखकर मत डरो, मत, भाइयों के बीच भी झगड़ा होता है, एक साथ रहो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी उसके लिए पूरी तैयार थी और मुस्लिम लीग भी तैयार, तो क्या गांधी अलग थलग पड़ गए थे? बिल्कुल अलग थलग। आप ये बिल्कुल स्वीकारेंगे? बिल्कुल स्वीकारेंगे। और ये बात पूर्णावृति में लिखी गई है, गांधी ने कहा आई एम अलोन इन विल्डरनेस, मैं जंगल में अकेला पड़ गया हूं, बहुत अच्छा, अकेला भटक रहा हूं। अब प्रश्न आता है, थोड़ा सा हम वर्तमान पर बात कर लें कि अभी हम थोड़ी देर पहले और बातें भी कर रहे हैं, सारा माहौल, उसे आप साहित्यिक भाषा में कहें कि जहर फैल गया है सिस्टम में, ये और बातें हैं। लेकिन जब हर आदमी अपने स्वार्थ से जुड़ गया है, वो किसी और के प्रति संवेदनशील भी नहीं रहा, वो तो अपने स्वार्थ के प्रति ही अवेयर है बस, हुक एंड क्रूक। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे परिदृश्य में गांधी की प्रासंगिकता का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए गांधी का जो अप्रोच है वो है कि आप सत्य के नजदीक रहें, ठीक है, और सत्य के नजदीक रहकर जो कल्याणकारी है, सत्य है, उस पर चले, वो एक अप्रोच है। लेकिन ये हमारा युग है, ठीक है, उस अप्रोच को हम अपना मार्गदर्शक मानकर आज के युग में क्या उचित है,
गांधी अपने युग में क्या उचित था उन्होंने वो किया, हमारे युग में क्या उचित है वो फैसला हमको करना है। हमारे पास गांधी भी है, भगत सिंह भी है, मार्क्स भी है, अंबेडकर भी है, हम सबकी समझ के बाद के लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो अपने बाप के कंधे पर बच्चा बैठा हुआ होता है उसको अपने बाप से दूर का दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हम इन सबकी समझ को लेकर के और आगे का देख सकते हैं और अपनी भूमिका का निर्धारण कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। यही मेरा आग्रह है कि जब हम दूरदर्शिता से काम लेना सीख गए अगर, तो हम क्या सोचते हैं इतने अध्ययन के बाद, इतने हालातों को समझ लेने के बाद और भविष्य को आगे देखने के बाद हम क्या किस तरह के पक्षधर हैं? हम ये देखते हैं कि बिना एक प्रेम पूर्वक धर्म निरपेक्ष बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी संस्कृति, राजनीति और शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था के बिना भारत का एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व बहुत खतरे में है। अगर पूंजीवाद रहेगा, अगर सांप्रदायिकता रहेगी, अगर जातिवाद रहेगा, तो भारत का एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा जी। इसलिए हमें जातिवाद, पूंजीवाद और सांप्रदायिकता और पितृसत्ता, इससे मुक्ति के लिए सामाजिक काम करते रहने की ज़रूरत है, ताकि समाज में स्त्री पुरुष समानता, सभी जातियों की समानता, सभी धार्मिक समुदायों की समानता और शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके, मेहनत करने वाले को उसका हक मिल सके, सभी लोग समान हों और एक 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 राष्ट्र जिस तरह से जन्म लेता है वैसा हम बना सकते। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये जो अभी आपने कहा ये कहीं ना कहीं संकेत देता है एक स्वस्थ समाज के? बेशक स्वस्थता की, स्वस्थ समाज तो वही होगा जिसमें सब प्रेम से रहेंगे, सबको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, सब समान होंगे। आप ही समय ज्यादा समय नहीं होगा, पिछले दिनों एक उपन्यास मेरे हाथ आया अलका साराव जी का, वो उपन्यास है गांधी और सरला देवी चौधरी। अभी मैं पढ़ रहा हूं उसे, पूरा पढ़ रही हूं। तो गांधी के जीवन में कस्तूरबा तो पत्नी थी उनकी और बहुत कम एज में 12-13 साल की उम्र में तो विवाहित होकर आ गई और जैसा कि उनके संग रही वो रही। गांधी का उनके प्रति प्रेम या जैसे कहें पत्नी होने के नाते जो उनकी निष्ठाएं थी वो गांधी ने ही पूरी करी और कस्तूरबा ने। लेकिन एक अन्य महिला आती है जिसका नाम सरला देवी है और उस उपन्यास में एक लाइन है जहां जहां ये सामने आता है कि गांधी भी स्वीकारते थे कि सरला देवी उनकी आध्यात्मिक पत्नी है। इस संबंध में आप क्या? हाँ, उसमें प्रसंग है और उसमें एक पत्र भी है जिसमें वो सरला देवी को लिखते हैं, सरला देवी उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती हैं और गांधी उसको डिनाई करते हैं, उसे इनकार करते हैं। नहीं, सरला देवी से खूब पूरा उपन्यास इस पे है कि सरला देवी नहीं, उपन्यास की बात अलग है, तथ्य की बात अलग है। ठीक है, उपन्यास तथ्य इतिहास तो नहीं होते, वो तो गलती है। तो उसमें गांधी जो है उनसे किसी भी तरह का शारीरिक या जो भौतिक संबंध होता है उसको वो मना करते हैं उनसे कि हमारा आध्यात्मिक संबंध है और उसी स्तर पर रहना चाहिए। नहीं नहीं, तो मैं उधर जा ही नहीं रहा, शारीरिकता की तरफ नहीं जा रहा, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का जी। होता भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है और नहीं है तो फर्क नहीं पड़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि सरला देवी के साथ जो भी संवाद, विमर्श या समय गुजरा उसका गांधी के जीवन में कोई योगदान है? ऐसा मुझे तो कोई
तो फिर गांधी कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये आध्यात्मिक है अगर प्रभावहीन है तो? अगर वो चरित्र पूरा पूरा प्रभावहीन है तो ये फिर इस बात पर तो कोई संवाद ही नहीं हो सकता। नहीं, वो गांधी के एक्सेप्ट करते इस बात को कहीं है या वो उजागर नहीं हुआ है? अगर देखिए सोर्स तो कहीं ना कहीं होगा ना एनर्जी का। नहीं, गांधी ने अगर ये सार्वजनिक तौर पर कहा होता तो हमें पता चलता कि मेरे इस निर्णय में या इस मेरे गुण में या मेरे इस चारित्रिक विशेषता में सरला देवी का योगदान है, तो हम कह सकते थे कि हाँ गांधी ने स्वीकार किया है। हम कयास ही लगा सकते हैं कि हो सकता है ये वाली बात सरला देवी से। नहीं, कयास लगाने की, देखिए ऐसी निष्ठाओं के साथ कयास नहीं लगाए जाते, जो ठीक बात है उसी में विमर्श होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सरला देवी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा ऐसा कुछ सामने आया? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, क्योंकि आजकल ये उपन्यास बड़ा चर्चा में है और वो शुरुआत में जैसे आपने कहा कि लोगों का इंटरेस्ट तो ये है कि वो तलाशें कि गांधी और उनके संबंध कैसे थे जी, जबकि वो बहुत कोई लॉजिकल बात नहीं। संबंध तो सबके बिना भी बहुत प्रगाढ़ हो सकते हैं जी, लेकिन उस प्रगाढ़ता में ये बात तथ्य जरूर आती है कि वैचारिकता का जब आदान प्रदान होता है और उसमें ईमानदारी बरती जाए तो मैं इस बच्चे से भी अगर संवाद करूँ किसी से और मुझे अच्छा लगे तो मैं ईमानदारी से ये कहूँगा कि उस फलाने बच्चे ने फलाने उसने इस घटना पे ये कहा था और जो मुझे अच्छा लगा, जिसने मुझे चौंकाया, जिसने मुझे स्पार्क दिया, तो ऐसा कुछ गांधी ने कभी क्यों नहीं कहा? ये तो मुझे नहीं पता गांधी ने क्यों नहीं कहा। नहीं, आप क्या सोचते हैं, अपन बात कर रहे हैं और घटना तो हुई है। नहीं नहीं, गांधी पर अगर कोई प्रभाव पड़ता तो गांधी कहते, हम तो ये कहते। तो ये तो फिर ये जो अलका शराब की उपन्यास क्या उपन्यास नहीं, इसको आप सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी कह सकते हैं। बेशक उपन्यास कहानी तो नहीं, जब वो तथ्यपूर्ण बात करती है हम उपन्यास के आधार पर गांधी को कटे, जब वो टैगोर फैमिली की लड़की है, टैगोर को, देवेंद्रनाथ जी को, उनको और सबको शामिल करती है, अपने पूरे परिवार को शामिल करती है की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने उपन्यास में जब ऐसे लीजेंड लोगों का जिक्र करती है, उनके वहां उस जमाने के पारिवारिकता को, उनके यहाँ आने वाले लोगों को उनका नाम लेती है, तो कुछ तो तथ्य हो गई। नहीं, हम किसी उपन्यास के आधार पर गांधी के चरित्र पर नहीं, नहीं हम चरित्र पर हम उंगली नहीं उठा रहे। उंगली उठाने का मैं कह भी नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि गांधी पर हम गांधी पर इसका प्रभाव पड़ा होगा ये हमने उपन्यास से सीखा, ये नहीं हो सकता। उपन्यास से हम कुछ नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं सीखने की बात है, मैं तो जानने की बात कर रहा हूँ कि क्या कहीं गांधी ने जो अपनी लिखी है कि एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, वो गांधी के तो उसके उनके जीवन में जो भी उभरा है, जब वो गांधी ये कहते हैं कि मैं पी हुई बीड़ियों के टोटे उठा के पी सकता हूँ, चुरा सकता हूँ, जब मेरे पिता की डेथ हो रही है तो मैं अपनी पत्नी के संग गति क्रिया में लिप्त हूँ, चाहे उसका जीवन भर उन्हें पछतावा रहो, तब इतने बड़े बड़े कंसेप्ट वो ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तो फिर सरला देवी का जिक्र क्यों नहीं आया? ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आया, ये तो गांधी जी मेरे मन में सहज प्रश्नता बनेगी, आप शायद आप कुछ कहें, और क्योंकि आज जो भी पढ़ रहा है उस उपन्यास को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं दो चार से मैंने कहा मैंने कि उसको भी पढ़ो, एक बच्चा है और सेक्रेटरेट में है, वो पीएचडी कर रहा है डॉक्टरेट गांधी, तो मुझसे बोला तो मैंने कहा ये भी पढ़ ले फिर बताना मुझे क्या है, मुझे क्या महसूस होता है, तो उसने भी ऐसे ही कुछ मुझसे सवाल उपन्यासकार तो अपनी कल्पना को विस्तार देने के लिए स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कल्पना कर सकता है, उसका गांधी से के वास्तविक जीवन से कुछ संबंध ही जरूरी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ये बताएं कि वो आश्रम जो है आपका, उसकी गतिविधियां क्या है, उसका क्या जुड़ाव है, उस बारे में। तो
मेरे पिताजी ने 1942 के आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है, और उन्होंने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगाई थी। उसके बाद वो फरार हुए और फिर गांधी जी को खत्म थे, और गांधी जी ने मेरे पिताजी को अपने आश्रम में बुला लिया था, ठीक है, और पिताजी सेवाग्राम में उनके साथ रहे। फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे, और पिताजी से ही हमें प्रेरणा मिली गांव में काम करने की। पिताजी कहते थे कि बापू कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाकर काम करना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ चले गए थे, और हमने आदिवासी गाँव में पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था। और हमने वहाँ फिर गाँव वालों ने हमें एक ज़मीन दी और उस पर एक आश्रम विकसित हुआ, और हम वहाँ उनके सामुदायिक शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण, कृषि सुधार, इस पर हमने काम किया, और बहुत ही अच्छा काम हुआ। हमारा 1000 का साथियों का टीम थी, 1000 स्टाफ का, और हम लोगों ने वहाँ मातृ मृत्यु दर 0 पर ले आए थे, हम लोग शिशु मृत्यु दर 0 पर ले आए थे, हम लोगों ने 0 बजट में डैम्स बनाए थे, रेत की खाली सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर करके हमने जो वहाँ पर बरसाती नाले होते हैं उनमें पानी रोक करके साल साल भर के लिए पानी रोक लिया, और उसमें फिर महिलाओं ने सब्जी उत्पादन करके आर्थिक स्थिति सुधार की। तो SHG और हमने अपने क्षेत्र में आदिवासी शत प्रतिशत बच्चों को स्कूल ले गए। तो इस तरीके के हम लोग काम कर रहे थे, और हमारा पंचायती राज ट्रेनिंग, स्वास्थ्य ट्रेनिंग, हम लोग सरकारी कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग करते थे, नर्सेस की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की, पंचायत प्रतिनिधियों की, अपने कार्यकर्ताओं की, ये सारी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होती थी। लेकिन जब ये नई आर्थिक नीतियाँ आईं और उसमें अमीर देशों की पूंजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आदिवासी क्षेत्रों की तरफ संसाधनों पर कब्जा करने आने लगी, तो फिर छत्तीसगढ़ में सर्वजलुम नाम का 2005 में एक सरकारी अभियान शुरू हुआ, जिसमें 650 आदिवासियों के गांव में घरों में आग लगा दी गई, बहुत सारे आदिवासियों की हत्या हुई, बहुत सारी आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए। हम वो मामले अदालत में ले गए, और उससे नाराज़ होकर फिर 2009 में वहाँ भाजपा सरकार थी, उसने हमारे आश्रम पर बुलडोज़र चला दिया, और फिर मुझे 10 साल के लिए कड़ी पार कर दिया। तो वो आश्रम पहले था, अब नहीं, अच्छा, BJP ने उसको ध्वस्त कर दिया सरकार ने। ये सब तो सत्ता का चरित्र है। जी जी ठीक। तो आज की शाम भाई सबसे इजाज़त चाहते हैं, आदरणीय हेमंत जी से भी इजाज़त, और उम्मीद करता है ये मंच और अशोक सक्सेना कि आप जब भी आए, संभावना बने तो आप सूचित कीजिए, आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा हमको भी, और हमारे श्रोता भी लाभान्वित होंगे अगली वार्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी।